नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आइए फटाफट रुक करते हैं खबरों का। जयपुर पहुंचे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत और सीपी जोशी ने किया उनका स्वागत। बता दें कि प्रबोधन कार्यक्रम के समापन सत्र को आज मनमोहन सिंह ने संबोधित किया। राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी के समस्त मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दिया, तो वहीं लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। राजनीतिक विशेषज्ञ शिवानंद तिवारी ने कर्नाटक की राजनीति हलचल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पर संकट है, कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, अब बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कर्नाटक की राजनीतिक हलचल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वेच्छा से बिना किसी अनुचित दबाव के दिया जा रहा है, तो स्पीकर इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। सपना चौधरी दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। जम्मू और कश्मीर में आज हाई अलर्ट जारी किया, जहां आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर अलगाववादियों का कश्मीर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। राजस्थान के नसीराबाद में चरमराई बिजली व्यवस्था, 20 दिनों से की जा रही है बिजली कटौती, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जताया आक्रोश। रत्नागिरी डैम हादसे को लेकर एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन पांचवें दिन भी जारी रहा। अब तक 19 शव बरामद हो चुके हैं, 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट पहुंची, इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही अधिवक्ताओं ने मथुरा सांसद को सौंपा ज्ञापन। कर्ज वसूली अधिकरण की पुणे बेंच ने भगोड़े नीरव मोदी और उसके पार्टनर्स को घोटाले से जुड़े मामलों में पीएनबी और बैंकों के समूह को ब्याज समेत 7200 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। पीएनबी ने रिकवरी के लिए पिछले साल जुलाई में डीपीआर से संपर्क किया था। गुलाबी शहर में नाम से मशहूर जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा फर्जीवाड़े की शिकायत आरबीआई से की है, जिसमें सामने आया कि कंपनी ने कर्जदाता बैंकों के समूह से फंड जुटाने के लिए दस्तावेजों और खातों में हेरफेर किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से शुरू हुआ सत्ता का नाटक अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां 12 विधायक इस्तीफा देने के लिए विधानसभा पहुंचे। इनमें से 11 विधायकों ने स्पीकर के मौजूद नहीं होने पर विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा है। इन विधायकों में 9 कांग्रेस के हैं, जबकि 3 विधायक जनता दल सेक्युलर के हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में खुशी का दिन, जहां अनूपगढ़ को बठिंडा के लिए नई रेल सेवा मिली है। नई रेल को रेल मंत्री सुरेश अगड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सौरिक विकास खंड की रसूलपुर ग्राम पंचायत के मजरा लोहन्ना में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आरती के दौरान बिजली गिर गई और बिजली गिरने से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया और वे नीचे गिर गए, तो वही मंदिर में बिजली गिरने से लोग सकते में हैं। रामपुर जिला अधिकारी आजने कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर नगर के लेखपाल हिदायत नबी को निलंबित करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की, साथ ही कुछ लोगों को चेतावनी भी दी है। भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। इस दौरान उन्होंने गुजरात के सूरत में हुई घटना पर बोलते हुए कुछ लोग एक वर्ग विशेष
लोगों को भड़काकर इस तरह का काम कर रहे हैं। कन्नौज में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने आए प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बीएसए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने जांच की मांग भी की। करनाल के अमृत धारा अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता को सेक्टर 16 में बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता के गाड़ी का ड्राइवर उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने बजट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बजट को लेकर कई सवाल पूछे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के इस्तीफा देने के बाद हरिद्वार में हरीश रावत समर्थकों ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है। रामगंगा नदी में विलुप्त होती घड़ियालों की प्रजाति का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, जहां घड़ियालों पर विभाग द्वारा कराए गए शोध में घड़ियालों के अच्छे नंबर बढ़ने के संकेत मिले हैं। कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों अस्पताल रोड से चोरी हुए लोडर मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी के पास से दो लोडर और एक कार भी बरामद की है। 17 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर देहरादून जिलाधिकारी रविशंकर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कांवड़ मेले को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नैनीताल स्थित हनुमानगढ़ी पार्क में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कुमाऊं कमिश्नर राजीव रोतेला ने हनुमानगढ़ी पार्क परिसर में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। विकासनगर में एटन बाग के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पति पर सरकारी योजना के तहत बनाए जाने वाले श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सामग्री की धनराशि को प्रधानपति द्वारा गबन किया गया है। रुड़की के लक्सर में रायसी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव महराजपुर खुर्द में एक तरफा प्रेम कहानी के चलते एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। रामनगर के सरकारी अस्पताल में समस्याओं को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते शनिवार को उपजिलाधिकारी ने एक औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में दवाइयां, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर्स की कमी और साफ सफाई आदि बिंदुओं को लेकर उपजिलाधिकारी ने सीएमएस से जानकारी ली और मरीजों का हाल भी जाना। राजस्थान के नसीराबाद अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रतिदिन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीजों का आना जाना रहता है, तो वही बारिश में अस्पताल की छतें भी टपक रही हैं। राजस्थान के नसीराबाद में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शहर में पिछले 20 दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है और प्रतिदिन दिन में 15 से 18 बार बिजली की कटौती की जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों पर पौधारोपण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए 4 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। चमकी बुखार पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि इतने बेबस और लाचार हो गए नीतीश कुमार की उनकी लाचारी सबको देखने लगी है। निम्बाहेड़ा में संचालित आर के ग्रुप की वंडर सीमेंट इकाई में ऊंचाई से गिरने से मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। यूपी के सोनभद्र में कलेक्ट्रेट परिसर में बीटीसी के छात्र ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बीटीसी के छात्र और छात्राएं प्रैक्टिकल में धन वसूली और अन्य समस्याओं को लेकर डीएम से मिलने पहुंची थी। यूपी के बांदा में केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने निरीक्षण किया।
यूपी के सीतापुर के लहरपुर इलाके में तेज बारिश के चलते एसटी लाइन का तार टूट जाने से 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गनीमत रही कि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। लखनऊ नगर निगम में लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी है, जहां आए दिन अतिक्रमण हटाने वाली टीम को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशीनगर जिले में आगमन से प्रशासनिक अधिकारी सकते हैं, जब मुख्यमंत्री की नजर में सब कुछ ठीक रहे इसके लिए सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा सिविल लाइन थाना प्रभारी ने हत्या के मामले में महज 13 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिलाओं ने छेड़छाड़ की बढ़ रही घटनाओं के विरोध में रैली निकाली और सालीकोचा पुलिस थाने का घेराव किया। दौसा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रन फॉर We'll be right back.